नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? विश्व के अंदर में आज मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे दिनचर्या के ख़राब होने के कारण से है। कुछ एक परसेंटेज होती है कि ये थायराइड के कारण से बढ़ता है, मगर जो ज़्यादा केसेस है हमारी दिनचर्या सही ना होने की वजह से। विश्व के अंदर में प्रथम नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका बोलते हो, मोटे लोग पाए जाते हैं, और भारत का नाम भी टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। और पतला सब होना चाहते हैं, पतला होने के लिए आप हर वो कार्य करते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। कुछ लोग फैट बर्नर का सेवन करते हैं, कुछ लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसको एस्ट्रॉइड्स क्या बोलते हैं आप, वो खाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके, नीम, हकीम, सबके पास जाते हैं। तो आज आपको मैं एक सिंपल सा, साधारण सा एक तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे 10 से 20 दिन तक का ये आपका प्रक्रिया चलेगी। जब आप इस प्रक्रिया से पूर्व निकलेंगे तो आपकी बॉडी हल्की भी होगी, डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी, आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप पहले से हष्टपुष्ट होने लगोगे। लेकिन कुछ लोगों जिनकी एसिडिक बॉडी हो जाती है, जिनको गैस ज़्यादा बनती है या फिर एसिड रिफ्लेक्शन होता है, उन लोगों के केस में कुछ असावधानियाँ भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास ऐसे लोगों के लिए भी आज कुछ है जो लोग बेड पे बैठे बैठे बिना कुछ योगा एक्सरसाइज किए किए वेट कम करना चाहते हैं। आपने सुना होगा गर्मियों के दिन में, और श्री बाबा रामदेव जी बड़ी बात करते हैं इसके लिए, गिलोय, एक शब्द यूज़ होता है गिलोय बार बार। वैसे ये गिलोय एक औषधि बहुत लाभकारी है जब आपको वायरल हो जाता है, जब आपको डेंगू या मलेरिया या कोई संक्रमण से होने वाला फीवर हो जाता है, तब गिलोय का पानी ही, गिलोय की गोलियां ही आपको हेल्प करती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और बताऊं, इस गिलोय से आपका वेट भी कम हो सकता है अगर इसको तरीके से लिया जाए। वो क्या है? देखिए, जो गिलोय की बेल होती है, पहली बात तो याद रखना है, पेड़ नहीं होता है। गिलोय की बेल की लकड़ी को कूट कर अगर आप काढ़ा बना के पीते हो तो वो बुखार में काम करता है, मगर गिलोय की पत्तियाँ अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो वेट रिड्यूस का काम करेंगी। अब सबके मन में है कि भैया पॉइंट की बात पर आ जाओ। गिलोय की पत्तियों का अर्क निकालना है, अर्क कैसे निकलेगा, उसको हम कैसे लेंगे, वो आपको बताता हूँ। जो गिलोय की पत्तियाँ होती हैं, आपको उसको, जैसे आपने 3 पत्ते लिए, उनको कूटा, इसमें पानी का उपयोग मत करना, या थोड़ा 2-4, 1 चम्मच यूज़ होगा मैक्सिमम, उसको पीटो। उसके बाद जो अर्क निकले, जो हरे रंग का जो लिक्विड निकलेगा वो अर्क होगा, उबालना नहीं है, बस उसको निचोड़ना है, और वो 1 चम्मच हो जाएगा। तो अराउंड 5 ग्राम में वो निकलेगा, तो कड़वा बहुत होता है, तो आपको इसके अंदर में 2 चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला दें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको सुबह खाली पेट आप लें। आप बिलीव करेंगे, आप सुबह लें और शाम को लें 5-5 ग्राम, आपका वेट रिड्यूस 100% हो जाएगा। लेकिन पहले बताया था ना, जिनको गैस बनती है, जिनको एसिडिक है, वो क्या करें? उनके लिए एक बड़ा प्यारा काम है, उनको लेना तो उनको भी है, लेकिन अगर उनकी एड़ियों में दर्द आने लगे, इट मीन्स उनका थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ने लगे, तो वो इसको लेना छोड़ सकते हैं। बाकी सब लोग लें इसको और अपनाएं अपने जीवन में। दोबारा से बता देता हूँ, पत्तियों को कूट के, जैसे आप ग्राइंड करते हैं, जो रस निकलता है उस रस में शहद मिलाना है, दोनों मिला के 5 ग्राम हो जाएंगे। सुबह लेना है खाली पेट, रात को भी जब खाली पेट होता है, जब भोजन से पहले, आप तब इसको ले लें, हो गया ना वेट कम। ये सिंपल सी देसी टेक्निक है, आजमा के देख लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। मुझे पता है आप लोग होना चाहते हो पतला। चलिए, धन्यवाद आपका, मुझे बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ।
और परमात्मा विराजता कहाँ है? आपके हृदय के अंदर में, और हृदय की गहराई से हीरा योगी आपको करता है नमन। हरिओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका सदा मंगल हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।